बताइए अभी क्या दिक्कत हो गया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पार्किंग की सुविधा है पर लूट मचा रखी है। 80 रुपए 80 रुपए दो लस्सी आ जाएंगे भाई। 8 जगह पार कर लो मैं गाड़ी। आप कुछ भी इस पे? नहीं नहीं, हम तो जयपुर में रहते हैं, क्या ही कह सकते हैं। चलो पहले तो घुमा दो अंदर। पार्किंग का सारा जगह धंधा बन चुका है, कुछ है नहीं पार्किंग में। जहाँ भी जाओ 50 रुपए 80 रुपए पार्किंग का हमेशा लेते रहते हैं। तो आज है, आज डेट क्या है? डेट आज ये ब्लॉगिंग करेंगे। हम ब्लॉगर से मिले आज। ये देखिए, ये देखो ब्लॉगर, ये ब्लॉगिंग करेंगे। क्या नाम से चैनल सर आपका? क्या नाम से? क्रैक स्कल। तो सब लोग आए अभी जंतर मंतर घूमने। दिल्ली का ही जंतर मंतर फेमस, इसी के बेस पर बहुत सारे जगह जंतर मंतर बना है। जो बेस है, जो स्टार्ट है जंतर मंतर, पहला जंतर मंतर जयपुर का, उसके बेस है, उसके बेस पे दिल्ली, दूसरा बहुत सारे दिल्ली में है, बहुत सारे जगह पे दिल्ली में भी है, बहुत सारे जगह पे। दो ही बताए मेरे को। नहीं, एक और है, यूपी में भी है, पुणे में है, पुणे में भी है। सबसे पहला जयपुर का, लेकिन हां जो बेस है, जो राजा मेन, पहले सबसे पहले जयपुर मेन यही है। किसने बनाया था? राजा मानसिंह और जय सिंह ने। जय सिंह ने बनाया था, क्योंकि जयपुर बसने के बाद ये बनाया गया। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के जंतर मंतर, बेसिकली ये सन डायल है, जो कि सूरज की धूप से उस हिसाब से ये घंटे मिनट और सेकंड भी बताता है। तो देखते हैं, ट्राई करेंगे पता करने। सबसे बड़ा जो यंत्र है यहाँ का वही है। जंतर का मतलब क्या होता है? जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। इंस्ट्रूमेंट्स के यूज करते हुए हम कैलकुलेशन करके टाइम निकाला, लेने की कोशिश किया राजा जी ने उस टाइम के वक्त, और इतना प्रिसाइज उन्होंने, एक्यूरेट है ये, मतलब सेकंड एकदम करेक्टली बताता है। मेजरमेंट्स होती है, हम भी कोशिश करेंगे पता करने की। आज के साइंटिस्ट भी चौकन्ना, सबसे बड़ा यंत्र ये वाला है, सम्राट यंत्र है ये वाला। इसके बारे में पेड़ी वाला भी तो है, ये सबसे बड़ा, ये सम्राट यंत्र है, जो सबसे बड़ा और मेन जो माना जाता है यहाँ का। हमारे साथ पे एक युगांडा का एक स्पीसीज आ चुका है, जो कि एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं। सब लोग यहाँ पे घूमने हैं और वो छाव में घूम रही है। युगांडा का प्राणी है ना, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें हमारी गलती कोई है नहीं, वो स्पीसीज की प्रॉब्लम है, होमो इरेक्टस। जंतर मंतर का वो जो मेन, अगर फोटो डालते हो हार्ट वाला आता है ना रेड कलर का, जैसे जयपुर का जंतर मंतर डालोगे मेन ही है। ऊपर से व्यू लेते हैं इसी का। बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले कौन थे? जय सिंह, सॉरी जय सिंह। हां सॉरी जय सिंह बोले, मैं वही बोला, क्योंकि जयपुर बसने के बाद बनाया गया था, जय सिंह ही बनाया। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं सन डायल के पास, वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया, इसमें लिखा है कि जो अभी आज के, जैसे हमारे वॉच में, घड़ी में, जैसे प्रिसीजन आता है 1 सेकंड का, जैसे हम 1 सेकंड काउंट करते हैं, 1 सेकंड जो मिनिमम लिस्ट काउंट होता है, इस सन डायल में उस वक्त एटलीस्ट 2 मिनट 2 सेकंड, हाँ 2 सेकंड लिस्ट काउंट था। अभी उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज था, अभी के हिसाब से तो 1 सेकंड ना, उससे भी अब तो मिली सेकंड भी आते हैं। अभी हम चलते हैं नीचे, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे टाइम सन डायल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। स्लोप पे आपको देखो स्केल्स ऐसे मेंशन दिखेंगे, ये यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, पता हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं। ये आपका है ये 8 और ये 7, ये पूरा स्केल आप ऊपर, ये 5 है, एक सेकंड, 5 और 8 है, ये 58 है, ये आप नीचे चल के देखिए, ये 58 हो गया, ये 57 हो गया, वो 56 और ये 55, इस हिसाब से ये बना के रखे हैं। ये लिस्ट, ये 2 सेकंड का काउंट था। अभी देख, अभी 10:46 हो रहा है ना, ये 10 बता रहा है, 10 ये 2 सेकंड, ये देखो ये 11 रहा, अगर 11 तक पहुंचेगा, 11 तक पहुंचेगा ना, 15 मिनट है, 4 से 1 घंटा। हाँ ये कह रहा है, 1 में 15 मिनट है, ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, इतना आधे घंटे पीछे, अभी 10:47 हो रहा है, धरती भी तो घूम रही थी, क्योंकि 50, 15, 15, 30 और 15 ऐसे करके तो 4 होगी ना, 15, 4, 60 हो गए ना, वैसे तो कह रहा हूँ। तो अगर 46 होते तो इस स्टाइल पे होता, लास्ट स्टाइल पे होता। हाँ। ये 11 है ना, वो 10 है, चलो उधर उस साइड देखते हैं, उस साइड तो 12 के आगे होगा ना, वो 12 के आगे आएगा, 12 के ऊपर है वो।
ये स्टार्ट होता है बारह आगे है, बारह आगे है वो, बारह वो बारह बजे के बाद नहीं इधर से नहीं चल रहा है भाई, बारह आगे वो दो है वो तीन है, बारह आगे ये चल रहा है। तो रात और रात कैसे बताता है फिर? रात में नहीं बताता है ना, सूरज से बताता है, छह बजे तक, छह से छह, जब तक सूरज रहेगा, सूरज है वक्त कर रहा है, सूरज खत्म काम खत्म, सनडायल है। अभी तो समर है, विंटर में कैसे जब सूरज की धूप आएगी उस वक्त ही बताएगा विंटर में, इसी हिसाब से तो एंगल तो बदल जाएगा ना, इसलिए तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है ना। तो अभी हम वहाँ से देख के सनडायल उस पे अप्रोक्स अभी 10:50 आगे जा रहे हैं और कुछ 10:50 ये टोटल उस वक्त बन रहा 17:34 में उस हिसाब से अभी तैयार हो गया। हाँ अभी वहाँ पर टाइम हो रहा है 10:25 और हमारे क्लॉक में हो रहा है 10:51। यहाँ पे कुछ करेक्शन फैक्टर भी लिखा है जो कि करेक्शन के लिए दिया है, हमें उस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से ये टाइम फिर भी बहुत एक्यूरेट बता रहा है। जब ये बना था 17:34 में और अभी 222 चल रहा है, उस हिसाब से टाइमिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सही बता रहा है। और कुछ करेक्शन फैक्टर भी है, अगर करेक्शन फैक्टर हम कैलकुलेट करें तो शायद सही हो, टाइम सही हो। इट इज अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स ओल्ड और सिर्फ 1734 चल रहा है अभी भी, फिर भी इतना करेक्टली टाइम बता रहा है, ऊपर से एक्यूरेसी भी सिर्फ 2 सेकंड में। बिल्कुल, और उस टाइम में लाइक 1734 में इतने टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि लाइक ऐसा चीज बनाया जा सके, लाइक जयपुर में तो है ही, इसके अलावा दिल्ली वगैरह में भी है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी एक्यूरेसी होना अनबिलीवेबल। इसीलिए इसको जयप्रकाश यंत्र बोलते हैं क्योंकि सवाई जयसिंह खुद ने इसको बनाया। Can you see? Come ahead this way, please. Come this way. Shadow. Where is the shadow? In the gap. Yeah. Not on the plate. So, it's working. So this is not working. The other one is working. अभी हम जयप्रकाश यंत्र आए हैं, ये कहीं किसी भी जंतर मंतर में आप दिल्ली चले जाओ या कहीं भी चले जाओ आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जयपुर में ही है। ये राजा जयसिंह ने अपने इंटेलेक्ट अपने बुद्धिमत्ता से इसको बनाया था। ये क्या है, ये जिस भी वक्त जहाँ भी कोई भी अभी बर्थ होगा वो ये बताता है आप कौन सी राशि में फॉल करते हो, और यहाँ पर दो है जो प्रिसीजन के लिए, एक घंटी ये काम करता है और एक घंटी ये काम करता है, ये प्रिसीजन के लिए दो बनाया गया है ताकि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, और इसके थ्रू ये जो बीच में ये चक्र दे रखा है उसमें एक छोटा सा एक छेद है, उसके थ्रू यहाँ से जो एस्ट्रोलॉजर थे उस वक्त के मून और स्टार देख के गणना करते थे, और ये पे बहुत सारे लाइन इस पे खींचे गए हैं मार्बल पर, उसके थ्रू आपकी राशि होरोस्कोप पता चलता था, और जिस होरोस्कोप में आप लाई करेंगे उस होरोस्कोप के लिए वहाँ पर 12 होरोस्कोप के यंत्र बनाए गए हैं, उस हिसाब से आप अपना होरोस्कोप पता कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसलिए ये राजा जयसिंह ने उस वक्त के हिसाब से बनाया था जो कि आज भी प्रॉपरली वर्क करता है, ये वर्किंग में है। अगर किसी की नॉलेज हो इंटेलेक्ट हो वो आप आज भी इसके बारे में अपनी होरोस्कोप पता लगा सकता, अपने बारे में पता कर उसकी ज़िंदगी में क्या घटना घटने वाली है, क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। 2 का कम बड़े एक हो गया 11 12 होगा 12 ही होगा रे। एक राशि कितना होता है? 2 3 अरे 11 ही लग रहे हैं मेरे को, 5 6 7 8 9 10 10 ही लग रहे हैं। 1 2 राशि 12 होती है, कितना होता है राशि पता नहीं यार, 4 फिर 5 6 मैंने 11 तो मैंने गिन ली भाई 12। ये जो थे एस्ट्रोलॉजर यहाँ के वो खुद आके और राशियाँ जो वो कुंडलियाँ जो हैं हाथ से यहाँ पे बनाते थे कि कौन से घर में शनि बैठा है, कौन से घर में बुध बैठा है, कौन कहाँ पे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, राशियाँ खुद यहाँ पे आके बनाते थे, तो उस काम में आता था ये। लेकिन आज तो खैर रेलिवेंट नहीं है, आज तो हम जाते हैं सीधे और एक मिनट के अंदर काम हो जाता है, पर तब राशियाँ यहाँ बनती थी। इसीलिए देखो 12 इंस्ट्रूमेंट बने हुए 12 राशियाँ, आप चाहो तो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के आगे फोटो ले सकते हो। हाँ ये है छोटा सनडायल, वो सम्राट यंत्र देख रहे बड़ा वाला, उसका छोटा भाई है।
उसी का छोटा भाई। इससे एक तो टाइम तो पता लगता है, थोड़ा और डायरेक्शन भी पता लगता है इससे, क्योंकि इनका मानना है कि लाइक बिना डायरेक्शन के एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हो, आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ नहीं कार्डिनल डायरेक्शंस, तो ये डायरेक्शंस भी बताता है। वो विराट है, 20 सेकंड तक का एक्यूरेसी, वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब 20 सेकंड का एक्यूरेसी बता रहा है उसका, 2 सेकंड का एक्यूरेसी ज़्यादा भाग जा रही है, प्रिसीजन ज़्यादा बेटर, इसीलिए छोटा है, इसीलिए जो उसकी प्रिसीजन ज्यादा बेटर है। हमारे ग्रुप में एक विचित्र प्राणी, दो विचित्र प्राणी, एक तो है ये पहले से जो युगांडा के जंगलों से लेके आए इनको, और एक और है, अगर हर किसी को भूख लगता है क्या करते, भूख लगता है खाना खाते हैं, आप क्या करते भूख लगता है आपको, तो ये तो चरते हैं, तो दिन और अगर इनको भूख लगता नहीं हमारे तो ये फोटो खिंचवाते हैं, ये खुद इनके मुंह से सुनिए क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और साथ में लेग पीस और खाते हैं। अब हम लोग जंतर मंतर घूम चुके हैं, बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, गर्मी भी बहुत हो चुका है, अब हम चले गए हवा महल, हवा खाने खाने खाएंगे और उसको कैप्चर करके रख भी लेंगे। हम लोग कब से पार्किंग आम जिंदगी में कर रहे थे, 80-80 रुपए देके प्रो लेवल के बंदे बन चुके हैं, प्रो लेवल के बंदे बन चुके हैं, और हम पार्किंग कहाँ करते हैं, मिंटोस लाइफ में जहाँ हमारा मन करता है, जहाँ पार्किंग ही देते हम, अब जहाँ हमारा मन करता है स्कूटी उठाते, स्कूटी फेंकते और पार्क कर देते, बस खत्म, टेंशन नहीं लेते हम, टेंशन लेने का नहीं देने का।